एक युवक नियमित रूप से सत्संग में जाया करता था, किंतु उसके भीतर ऐसा भाव नहीं जागा कि मेरा संसार का संग छूटे और सत्य का संग बढ़े, मैं संसार में खुशहाल रह सकूं। इस भाव से वह युवक प्रतिदिन संत की परिचर्या करता था। एक दिन उसने संत से कहा, आज मुझे आशीर्वाद दीजिए क्योंकि आज मेरा रिश्ता तय होना है। संत मुस्कुराए और बोले, बच्चे अब तू मेरे से गया क्योंकि तू नहीं जानता रिश्ते ही तो एक दिन रिश्ते घाव बन जाते हैं। युवक का रिश्ता क्या हुआ, वह 2 महीने तक न सत्संग में आ सका और ना ही संत की परिचर्या कर सका। संबंधों के इस कच्चे धागे की महिमा और आकर्षण ही कुछ ऐसा है जिसे तोड़ना मन के लिए आसान नहीं होता। 2 महीने के बाद वह युवक पुनः संत के चरणों में आया और बोला, आज मेरी शादी है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत ने कहा, अब तू अपने पिता से भी गया। प्रायः शादी की शहनाई माता पिता के उपकारों को विस्मृत करा देती है। 1 वर्ष के बाद युवक संत के चरणों में अपने बच्चे को लेकर आया कि इसे आशीर्वाद दे दो। संत ने कहा, अब तू तेरे से भी गया, क्योंकि संबंधों का पसारा ऐसा है जिसमें इंसान स्व को भी भूल जाता है। अपने जीवन दर्पण में झांको और सोचो, संबंधों की परिणति दुख में ही परिणत होती है। संबंध न बने तो रंज है, बन जाए तो सदा टिके रहने की चिंता है, और संबंध टूट जाए तो अपार दर्द है। तथापि रिश्तों का पसारा करने में इंसान मकड़ी की तरह व्यस्त रहता है। तनिक सोचो, जिसे आज प्रिय या खास मान रहे हो, क्या वह आगामी जन्मों में भी आपके साथ रहेगा? तनिक बैक कैलकुलेशन करके देखो, अतीत के अनंत जन्मों में जितने सगे संबंधी हमारे साथ थे, उनमें से क्या एक भी आज हमारे हैं? सबका अनुभव है, इस जन्म के रिश्ते इस जन्म में भी न साथ निभाते हैं न काम आते हैं, तो आगामी जन्मों की क्या गारंटी? इसलिए संबंधों का पसारा करने से पूर्व स्वयं को एक रिमाइंडर दो, मेरे जितने भी संबंध हैं, उनमें से एक भी संबंध न आगामी जन्मों में काम आएगा न इस जन्म में काम आएगा। सचमुच साथ निभाने की कसमें खाने पर भी यहाँ कौन साथ निभाता है? अंततः जब हमें अकेले ही होना है, तो आज भी हमें अकेले रहना आना चाहिए। जीवन भी एक संबंध है, इसे समझो। आत्मा और शरीर के संबंध को जीवन कहते हैं। यहाँ शरीर भी जब आत्मा का साथ नहीं देता, तो सुख के लिए बनाए गए संबंध कहाँ तक साथ निभाएंगे? ऐसा बोध सतत बना रहे। जीवन नश्वर है तो संबंध अमर कैसे होंगे? इसलिए संबंधों का संग्रह मत करो, संबंधों के संग दर्पण की तरह रहो। दर्पण सबका स्वागत करता है पर बंधता किसी से नहीं। इसलिए संबंध के साथ जियो, किंतु संबंधों में रहे मोह का अग्नि संस्कार करो। सबका वेलकम करो किंतु अपने पन की मोहर लगाने से बचो। अध्यात्म योगी आनंद गंजी महाराज जब दीक्षा लेने को तत्पर हुए, तब उनके बाल मित्र ने कहा, मैं भी दीक्षा लूंगा। महायोगी आनंद गंजी ने समझाया, दीक्षा अति कठिन है, इसमें वेश परिवर्तन के साथ दृष्टि परिवर्तन भी जरूरी है, एवं केश लुंचन के साथ मन का मुंडन भी अनिवार्य है। यदि भौतिकता में कहीं अटक गए तो अध्यात्म का स्पर्श नहीं हो सकता। आखिर तह उस बाल मित्र ने भी संन्यास ले लिया और जंगलों में रहने लगा। आनंद गंजी ने
दीक्षा ली और दुनिया की भीड़ आत्म साधना में बाधक न बने ऐसा सोचकर वे जंगल में चले गए। उनके सन्यासी मित्र ने वनस्पति के प्रयोग से स्वर्ण सिद्धि रसायन बनाया और अपने शिष्य के साथ उसे अध्यात्म योगी आनंद गंजी के पास भेजा, जिसकी एक बूंद मात्र से लोहा सोना बन जाता है। ऐसा स्वर्ण रसायन शिष्य ने महात्मा आनंद गंजी के चरणों में रखा तो उन्होंने उसे पत्थर पर डाल दिया। शिष्य अपने गुरु का अपमान एवं रसायन का ऐसा अवमूल्यन सह न पाया। तब आत्मार्थी आनंद गंजी ने उसे प्रतिबोधित स्वर में कहा, ऐसी स्वर्ण सिद्धि नश्वर को अमर नहीं बना सकती, इसलिए स्वर्ण बनाने में जीवनी शक्ति न लगाकर आत्मा रूपी अमर स्वर्ण को निखारो अर्थात आत्म सिद्धि प्राप्त करो। इसलिए एक बार अपने जीवन दर्पण में झांको कि जीवन की सफलता स्वर्ण आदि कमाने में है या फिर स्वर्ण आदि के संग्रह करने में है या फिर आत्मा को स्वर्ण समान निखारने में है। कितने आश्चर्य की बबात है, मेरे पास यह है यह नहीं है यह हमें दिखता है, किंतु मैं कौन हूँ इसका ख्याल एक बार भी आता तो भव पार हो जाते। ग्लास में क्या भरा है वह दिखता है किंतु ग्लास नहीं दिखता। सन्यासी बनकर भी यदि धन या यश की लालच में फंस गए तो जानना संसार के पिंजरे में कैद हो गए। भगवान महावीर ने लालच को आभ्यंतर परिग्रह कहा है। जैन दर्शन में दो प्रकार का परिग्रह बताया, धन धान्य आदि, सोना चांदी आदि, क्षेत्र वास्तु आदि, जमीन जायदाद आदि बाह्य परिग्रह है। क्रोध कपट लोभ लालच अहंकार ममता आदि आभ्यंतर परिग्रह है। आभ्यंतर परिग्रह से मुक्त होने के लिए ममत्व को घटाना पड़ता है, मन को लालचहीन बनाना पड़ता है। इसी के लिए संकल्प लिए जाते हैं तथा संसार से निवृत्ति भी ली जाती है, तथापि सावधानी तो रखनी पड़ती है। ज्ञानी कहते हैं मन एक खेत के समान है, खेत में धान के साथ घास फूस भी पैदा हो जाते हैं जो खेत के लिए हानिकारक है, यदि उन्हें साफ न करो तो एक भीषण जंगल खड़ा हो जाएगा, फलतः बीज को यथोचित पोषण नहीं मिलेगा। यही स्थिति मन की है, इसमें भी संकल्प के बीज डाले जाते हैं, यदि अजागृति रखी तो तमन्नाओं का घास मन के खेत में भी भर जाता है, इसलिए उसे दूर करना अनिवार्य है। संकल्प को निरर्थक इच्छाएं हजम न करें, इसके लिए सतत सावधान रहो तो आत्मसिद्धि संभव है। किंतु प्राय मानव भौतिकता के फिराक में आत्मसिद्धि को दांव पर लगा देता है। स्मरण रहे, जब तक आत्मविचार नहीं जागेगा तब तक आत्मसिद्धि नहीं हो सकती।